नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं सीईटी के एग्ज़ाम को लेकर। तो देखो, ग्रेजुएशन के तो एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब होने वाले हैं टेंथ प्लस टू के। तो हम कुछ ओल्ड पेपर्स हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं, क्योंकि सीईटी का इस बार मामला थोड़ा टफ है। कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपको सभी को पता है, तो बिल्कुल ओल्ड पेपर की ओर चलते हैं। तो बिल्कुल एक बार वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। चलेगा, बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये ओल्ड पेपर है सीईटी का, ठीक है। चलेगा, सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आप बने रहे साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है। तो पीलिया की बीमारी किस वजह से होती है आप सभी को पता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लोबुलिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, और तीसरा है बिलिरुबिन, और चौथा है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन आपको पता है रक्त में पाया जाता है, जबकि रक्त के अंदर ही अगर बिलिरुबिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है, किसकी बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो कौन सा रोग हो जाएगा आपके, पीलिया रोग हो जाएगा, ठीक है। और पीलिया के कारण आपको पता है त्वचा, आंखें ये पीली हो जाती है, और पीलिया अगर गंभीर हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, गंभीर यानी ज़्यादा हो गया यानी हाइपर, तो हाइपर बिलिरुबिनिया, ठीक है, इसको ये कहा जाता है। आगे बात करते हैं, चलेगा आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ये क्वेश्चन आ रखे हैं 2022 के अंदर, पेपर हुआ था सीटी का, वो पेपर है ये, ठीक है। चलेगा, डेली व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम या लेज़र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो लेज़र है। कौन सा है, लेज़र, ठीक है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, तो ध्यान होना चाहिए यानी प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच निरंतर संपर्क के बिना जो इमेज है, जो करेक्टर है, वो हमें प्रोड्यूस करते हैं, तो वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। चलेगा आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले वाला इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ चुका है, जो इज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म द गिवन ऑप्शन, ठीक है। डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गृह प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, या मूल निवासी प्रमाण पत्र, या जन्म प्रमाण पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। मूल निवासी प्रमाण पत्र का आप जानते हैं सभी को, ठीक है, यानी कहाँ का रहने वाला है। ये है आपके मैथमेटिक का क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। यह है भाई 2.2 गन डेसीमीटर पीतल को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता था, तार की लंबाई क्या है। तो सीधी सी बात है, इसको 2.2 गन डेसीमीटर है, यहाँ पर क्या है 0.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलो तो कितना आएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से 2.2 को गुणा करो, कितना आ जाएगा 2200, ठीक है, 2200 सेंटीमीटर क्यूब, यह इसका आयतन हो गया, पीतल का आयतन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि व्यास है, तो व्यास को आप बदल दो किस में, त्रिज्या में, तो 0.5/2 कितना आ जाएगा आंसर, 1/4, 1/4 में बदलोगे फिर क्या करना है आपको, सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, इसका आयतन निकाल लेना है, किसका, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का आयतन कितना हो गया आपके, लिख रखा है 2200, हमने निकाला था, वो पाई का मान रख देना, r का रख देना, h का रख देना, आंसर आ जाएंगे आपके, इसका करेक्ट आंसर आएगा 112 मीटर, ठीक है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, सार्वभौमिक ग्राही है, सभी से रक्त ले सकता है, तो सभी को पता है सबसे ये ग्राही है आपके AB, ठीक है, AB क्या है, ग्राही है, ठीक है, जबकि O क्या है, दाता, सभी को दे सकता है, कौन सा, O+ सभी को दे सकता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलेगा आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताओ, सभी को पता है सिनकोना से क्या प्राप्त होती है, कुनेन, ठीक है। चलेगा आगे बात कर लेते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही हम बता रहे हैं आपको, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का, ये बैंकिंग नहीं बेकिंग है, बेकिंग ठीक है, बेकिंग उद्योग में यानी बेकरी के रूप में, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेकिंग वगैरह है तो इनमें आपको बेकरियाँ, जो भी बेकरियाँ होती है ठीक है, तो वहाँ आपको हिस्ट का उपयोग मिलेगा। हिस्ट क्या है? ये जो हिस्ट के कवक होते हैं वो अवायव्य होते हैं। अवायव्य क्या होता है? अवायव्य होता है यानी खुद के शरीर से ही श्वास लेना, ठीक है। एक तो आप ऑक्सीजन का सीधे रूप से, ऑक्सीजन के रूप से श्वास लेते हो। ये क्या होते हैं? एक कोशी के होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशी के, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, ठीक है। देखो अब, देखो आपको पता है बेकरियों में इसका उपयोग होता है ना, जो आटा है होता है वो फूल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो आटा होता है वो क्या कट जाता है? फूल जाता है, ये ध्यान रखना। चलेगा, ये वही इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान रखना। द हेडिंग्स इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर भाई दूसरा नंबर ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है, कौन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, .wav वो .mind file, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच की समानता की वजह क्या है? तो लिथियम और मैग्नीशियम की समानता की एक ही वजह है कि इनके जो आयनिक विभव होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। इनके लिथियम और मैग्नीशियम, तो सबसे बड़ी बात है दोनों ही क्या है? धातु है, ठीक है। चलेगा, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य एक ही है कि नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, अब इसमें क्या होता है कि भाई बैंकों के माध्यम से किफ़ायती ब्याज पर ऋण प्रदान करना, यही है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन पहला है यहाँ पर कोशिका जीव विज्ञान, दूसरा जैव विकास, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, चौथा है अनुवांशिकी। तो पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई ये क्वेश्चन आ रखे हैं तो आपको इनके बारे में पढ़ना भी है। अगला है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चार बार, तो चार बार कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना। एक तो 1967 यानी 1977 यानी 1977 और 1980, एक था 1993, ठीक है। 67 यानी 67, 77, 80 और 93, ये चार साल हो गए, ठीक है। तारीखें याद रखो तो तारीखें भी याद रख लेना, ठीक है। 13 मार्च से आपके 26 अप्रैल 1967 और ये हो गया जाए आपके 30 अप्रैल से 21 जून 1977, ये हो गया 17 फरवरी से 5 जून 1980 और ये हो गया 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, ठीक है। चार बार याद रखना है आपको, 67, 77, 80 और 93, ठीक है। आगे चलते हैं, चलेगा आगे बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए सीधा सा ही है। देखो साइन अल्फा 3/4 और कोस अल्फा का मान पूछा है, तो साइन अल्फा का पूछा है 3/4, तो आप सीधा निकाल लेना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बट्टा कक्का, ध्यान रखना है, लाल बट्टा कक्का, यानी ये क्या होता है? साइन होता है। तो लंब बट्टा करण आ गए, तो लंब बट्टा करण आ गए तो आप इससे आधार निकाल लो। आधार निकालने के बाद आपको कोस अल्फा का मान ज्ञात कर लो। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। साइन कोस टेन ये हो जाएगा कोस, आधार बट्टा कर्ण निकाल लेना है, यानी आपको मान किसका निकालना? आधार का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और फिर आपको आधार निकालना है, ठीक है। कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा आपके रूट 7/4, ठीक है। निकाल लेना आप, ये हो जाएगा आपके लंब, ये कर्ण, आधार, आधार निकाल लो आ जाएगा आपके, ठीक है। चलिएगा अभी बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपचन के निदान में काम आती है? तो अपचन के निदान में कौन काम आती है? प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, प्रत्यमल या कीटाणु रोधी? तो करेक्ट आंसर है इसका प्रत्यमल, यानी ये क्या होती है, एंटीसिड, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी दवाई होती है जो अपचन के निदान में काम आती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी पिछले सीटी में भी अच्छे क्वेश्चन थे भी। यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस चौबीस के गुणनखंड एक्स माइनस दो है तो के का मान ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, के का मान कैसे ज्ञात करना है? तो साहब एक्स बराबर एक्स माइनस दो बराबर जीरो है, एक्स बराबर कितना गया दो, तो साहब इन दो को इस समीकरण में रख दो, आपके के का मान आ जाएगा, ठीक है। के का मान कितना आएगा? सीधा है पाँच आंसर आएगा, आप रख देना आपके निकल जाएगा, ठीक है। चलेगा देखो साथ साथ में आप मिलाते भी रहे। अगला क्वेश्चन है, सुरभि सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो सही अर्थ क्या होगा? सुरभि, इस सुरभि का अर्थ होता है गंध, इस सुरभि का अर्थ होता है गाय, ठीक है। चलेगा आगे बात कर लेते हैं, अगला है, चलेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, सीधा आंसर है किशनगढ़ शैली की बात है तो सीधा सामंत सिंह, ठीक है, सामंत सिंह। अब देखो ये 18वीं शताब्दी की शैली थी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और संत नागदास के रूप में लोकप्रिय हुई, और ये आगे किसने बढ़ाया था? सामंत सिंह, ठीक है, सामंत सिंह, ये सामंत सिंह, ठीक है। चलेगा आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित उत्पादन संयंत्र है? इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो कोयला आधारित कौन सा है? तो ऑप्शन इसका पहला राइट है सुपर, यानी कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, जो पहला कोयला आधारित संयंत्र है, ठीक है। चले और इसके बारे में और जानना चाहो तो ध्यान रखना, 1983 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा विकसित की गई, और वर्तमान में 100% हिस्सेदारी के साथ राज्य विद्युत उत्पादन निगम के स्वामित्व में है, यानी 100% उत्पादन कौन कर रहा है? राजस्थान। चले शीला देवी का मंदिर किस किले में अव्यवस्थित है? सभी को पता है, आमेर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़। देखो सभी को पता है आमेर के किले में है शीला देवी का मंदिर, ठीक है। शीला देवी का मंदिर किस किले में है? आमेर कहाँ है? जयपुर के अंदर है, सभी जानते हैं। और ये जो मूर्ति है, मूर्ति को आमेर की राजा मानसिंह प्रथम, ठीक है, जैसोर बांग्लादेश से लेकर आए थे 1604 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन लेकर आए थे? मानसिंह प्रथम, याद रहेगा। चलेगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो सीधा ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक तो आपकी बिजली, कृषि, सिंचाई और सामाजिक कल्याण, कौन सा? सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, दे कंटिन्यू, हालांकि क्वेश्चन इसी प्रकार आपको देखने को मिल सकते हैं। एबोनी वृक्ष कौन से वनों में मिलते हैं? एबोनी वृक्ष नया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ये मिलेंगे आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखने को मिलेंगे,
ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये आपके इंग्लिश की क्वेश्चन है, चॉइस चॉइस फॉर्म द ऑप्शन गिवन ब्लू वन वर्ड ऑफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो ध्यान रखना, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फुल रिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः रक्त में श्वेत, देखो सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अरे श्वेत रुधिर कणिका मतलब WBC और लाल रुधिर कणिका मतलब RBC, तो सीधी सी बात है, इनका अनुपात कितना हो जाएगा? यानी 600:1 होता है लगभग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको करना है कि भाई यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको निकालना है। तो 5 जनवरी 2024 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा, ये आप निकाल लेना। ठीक है, चलेगा आगे बात कर लेते हैं। ये आ गए आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है, देखिएगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि यदि एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि ये इसका नहीं होगा। बाकी देखो, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है, तो बिल्कुल ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है, स्टार्ट मेनू में रन कमांड का कार्य क्या होता है? सीधे रन मतलब चालू करना, प्रोग्राम को चालू करना। ठीक है, सबसे नीचे आता है रन कमांड, ठीक है, बॉक्स के अंदर ऐसे साइड में। देखो आगे बात कर लेते हैं, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं एलील। ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है पिछली बार, तो ऐसा ही पेपर अब की बार बन सकता है। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? अभी तो बढ़ गई है, कितनी है? 10। ठीक है, इसके अनुसार 10 है, बाकी कितनी हो गई है? 13 हो गई है। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रिंकू 840 रुपये क्रय मूल्य वाले टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% की हानि पर बेचता है, टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आप निकाल लेना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से ज़िले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के कौन से ज़िले से होकर गुजरती है, सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर बांसवाड़ा होगा। ठीक है, लंबाई कितनी है? तो 26 किलोमीटर, ध्यान रखना। ठीक है, डूंगर, बिल्कुल डूंगरपुर जिले से भी होकर गुजरती है। विषम को चुनना है, ओकेरल, MYSQL और MS Access और C++। ठीक है, इसमें देखो अलग कौन सा है, C++ ये इसकी अलग हो जाएगी, बाकी सब सेम है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। देखो, मैं अपने आप खुद पर लेता है, यानी निज, यानी निजवाचक, सीधी सी बात। आगे बात करते हैं, चलेगा। जब किसी
द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो संघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर जाते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण, आंशिक आश्वासन में वाष्पीकरण या निस्पंदन, निस्यंत्र, ठीक है, निस्पंदन बोलते हैं इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सवाल है आपके 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। तो कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाघ परियोजना आपकी 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई थी। कब की गई थी बाघ परियोजना? 1 अप्रैल 1973, ठीक है। चलेगा आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। संघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण कितना होगा? तो उस समय अपवर्तन कोण आपके 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पैंतालीस नहीं होगा यहाँ पर, 90 करें, ठीक है, 90 डिग्री होगा। क्रांति कोण आपतन कोण के बराबर क्रांति कोण होता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री का, ठीक है। चलेगा आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? बिल्कुल कई बार क्वेश्चन आया, बेंगूम, बिजोलिया, अलवर या बूंदी। तो ट्रेंच आयोग का जब भी पूछे तो ध्यान रखना बूंदी, बूंदी आंदोलन कन्फ्यूज नहीं, बेंगू आंदोलन आएगा, ठीक है, बेंगू ना कि बूंदी, ठीक है। बेंगू आंदोलन ट्रेंच आयोग, ठीक है, ये ब्रिटिश राज के दौरान किसान आंदोलन का एक था। और बेंगू कहाँ पर है? बेंगू देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, एक गाँव है, गाँव का नाम है बेंगू। तो यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। वो इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने, ठीक है, राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था बेंगू किसान आंदोलन का। कहाँ से शुरुआत हुई? चित्तौड़गढ़ से। चलेगा फटाफट बात कर लेते हैं। देखो पेपर इस टाइप का आएगा, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए आपको ये पेपर बताया जा रहा है, ठीक। चलेगा फटाफट आगे बात कर लेते हैं। ये लोग वाला सवाल है, लोग वाला सवाल है, आप ही को सोल्व करना है। सामने लोग लगा देना और फिर एक्स प्लस वन बराबर आपके आ जाएगा 2 log 2 की पावर 2, तो ये फिर 2 आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा log 2 log 2 की पावर 2। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एक्स बराबर 3। ये आपको खुद को निकालना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप पलवक से, ठीक है, पादप पलवक से प्रारंभ होती है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब देखो पादप पलवक क्या होते हैं, ये जो ऊपर तालाब में ऊपर जो होते हैं ना पानी के ऊपर पौधे, ठीक है, उनको बोलते हैं, ठीक है, सूक्ष्म पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं। और ये क्या करेंगे? बिल्कुल भोजन के लिए वही सूर्य वाली प्रक्रिया, सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं। ये देखो श्री महाराजा श्री उमेद सिंह मिल कहाँ है, सभी को पता है, उमेद जी कहाँ के थे? उमेद जी थे आपके पाली के, ठीक है, ठीक है। स्थापित कब हुआ था ये ध्यान रख लेना, 1939 को, ठीक है, 1939 को स्थापित हुई थी ये मिल, पाली के अंदर है उमेद, ठीक है। द कृष्णा मिल ब्यावर के अंदर है, सभी को पता। आगे बात कर लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त किया, ठीक है। नागभट प्रथम, देवराज वत्सल या नागभट द्वितीय? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट द्वितीय। किस वंश से था? नागभट प्रथम की बात करता, करेक्ट आंसर नागभट प्रथम। और नागभट प्रथम किस वंश से था? गुजर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इन्होंने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। वंशज मीर भोज के ग्वालियर शिलालेख के अनुसार नागभट ने एक म्लेच्छ आक्रमण को निष्फल किया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? बादला क्या है सभी को पता है। देखो बादला है जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध, जस्ते से बना पानी का पात्र होता है जिसमें ठंडा पानी ठंडा रहता है तो उसको बादला कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे, तो किन में से प्रत्यय आपको नजर आ रहा है आपको बताना है। सजावट, अन्वेषण, संकल्प, निवास, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई सजावट। सजावट के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आवट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ? सही विलोम शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? निंदा कोप, कर्तज्ञ, कृतज्ञ, स्थूल, दीर्घ, कठु, कठोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड, कर्तज्ञ, कृतज्ञ। ठीक है, कर्तज्ञ यानी उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ यानी उपकार को ना मानने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा? तो ट्रिपलेट कोड है आपका UAA। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बात करते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल स्पेंसल जो पुल ढह गया था, ये किस नदी पर बनाया गया था? सभी को पता है कौन सी नदी थी, तो मच्छू नदी थी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, आप कर लेना, आगे बात कर लेते हैं। ASCII 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो ये आप ध्यान रखना, 128। ठीक है, अगला मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, माध्यिका उमाध्यिक याद करने हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संख्या के हैं? तो व्यक्तिवाचक संख्या के कौन कौन से शब्द हैं, तो मैं आपको बता दूं, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रतीक। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सभी को पता है ये करवाया था सरदार सिंह ने। ठीक है, कब कराया था? तो 1800, ये भी ध्यान रखना है, सरदार सिंह ने कराया था 1899 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, किसकी याद में? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, किसकी याद में? जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सब कुछ पता है, शहर है, पहले कौन सी है? गुरु शिखर। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सभी को पता है जैसलमेर वाला ये इलाका, BW HW। ठीक है, बस ध्यान रखना, कोपेन वाला सिद्धांत, थोरनडाइक, ये सारे पढ़ लेना आप। ठीक है, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, ये उस समय की बात है, तो कौन से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया? तो ये 36वां। ठीक है, घुड़सवार शब्द में समास कौन सा है? तो घुड़सवार शब्द में है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, यानी घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर प्रदान होता है बस। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है, कितनी है ऊंचाई इसकी? 1501 मीटर। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में कहां पर था? तो ये था आपके बेड़सा में। आगे बात कर लेते हैं, वोलोदिमिर जेलेंस्की राष्ट्रपति कहां के हैं? वोलोदिमिर जेलेंस्की, जेलेंस्की सभी को पता है यूक्रेन के हैं, रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चला था, अभी भी जारी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? अभी तो नए बन गए हैं, तो कौन से राज्यपाल थे? तो ध्यान रखना 41वें। ठीक है, ये आप मान ज्ञात कर लेना, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कितना आएगा आंसर 127। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो वार्षिक प्रतिवेदन हमेशा ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन आ चुका है, वार्षिक प्रतिवेदन हमेशा सरकार को करेंगे। ठीक है, राज्य सरकार, इसमें कोई दोराय नहीं। आगे बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है उसको बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? असेंबलर।
असेंबलर एक बेसिक प्रोग्राम होता है, यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टेड, यानी एक बिट्स का प्रोग्राम होता है, ठीक है, यानी एक बिट्स के पैटर्न में बदल देता है, ठीक है। चलेगा आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो अधात्विक गुण करता है बेरिलियम, ठीक है। प्रथम 50 प्रकर्षण का योग आपको पता ही क्या हो जाएगा, निकाल लेना आप, कितना आएगा 1275। आगे बात कर लेते हैं। ये आपके रीजनिंग का सवाल है, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके 72455। मुख्य अक्ष के अगला क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, तो उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त पद कब सर्जित हुआ था, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? तो लोकायुक्त का पद आपके 1973 को, 1973 को सर्जित हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? अच्छा क्वेश्चन है। तो यशोभिलाषा में विसर्ग संधि, ठीक है, यश, ये विसर्ग, अभिलाषा, ठीक है, अभिलाषा, तो यशोभिलाषा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? ओ है, सभी को पता, सर्वदाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ में संबंधित लोकोक्ति है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी तेल देखो तेल की धार दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉल्टर व्यू। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं। पेन गंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो जो पेन गंगा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। ये भी मैथमेटिक्स का आप कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? तो वेबसाइट देखने में कौन सा मदद करता है, तो ध्यान रखना ब्राउज़र, सभी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CDR प्रकार की CD पर डेटा को क्या करता है? देखो, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। किसी वस्तु का आभासी एवं विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ये कर सकते हैं हम अवतल दर्पण द्वारा। हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? तो इसमें होता है भाई, आपके हेबर प्रक्रिया में 450 डिग्री तापमान होना चाहिए और आयरन की उपस्थिति। भारत के नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन थी या कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, पूनम गुप्ता। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन, चार शब्द है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई अंतर्धान। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है, आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान के हेमांग जायसवाल, ये सभी को पता है, हेमांग जायसवाल किस, ये जूडो के हैं, ठीक है। ये अगला मैथमेटिक्स का है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेना है इसको 6/5। निम्नलिखित में से किस अधिकरण में कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो कालीबंगा का जो उत्तरदायित्व संभाला था, ये भी काफ़ी बार आ चुका है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण, नई दिल्ली, ठीक है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया?
तो किसको नहीं किया गया, तो अलवर को नहीं किया गया। बाकी देखो 1998 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की क्या की थी, स्थापना की थी, कोटा उदयपुर बीकानेर इन सभी को सम्मिलित किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का सवाल है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर आएगा इसका दक्षिण। तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध, बिल्कुल तारकसी, तारकसी से याद आना चाहिए, नाथ द्वारा, ठीक है, तारकसी के आभूषण फेमस है। मालपुरा करौली का मैदान भाग है, मालपुरा करौली ये आपके बनास बेसिन के मैदान है, किशनगढ़ और मालपुरा के बड़े हिस्से यहाँ पर हैं जलोढ़ के। देखो दृष्टि दोष की बात करें, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होती तभी उत्पन्न होती है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है, तो देखो मिट्टी से है, जल संसाधनों से, वृक्षारोपण से, गरीबी निवारण से नहीं है, ठीक है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1973 को हुई थी, ध्यान रखना है ये, ठीक है। भूमि जल पशुधन मानव संसाधनों के संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। आगे बात कर लेते हैं, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आशा पारेख। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, सबको पता है जसनाथ संप्रदाय। प्रभात्रय पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखना यह है आपकी भारतीय शास्त्रीय संगीत। देखो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है, तो पुष्कर मेला सीधी सी बात है, पुष्कर मेला लगता है आपके कार्तिक में, ठीक है। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो विसंगति के लिए सही शब्द ये आपके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विलो, ठीक है। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ती है, सभी को पता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक, तो जलवायु प्रदर्शन में 8वीं, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, 2008 में भाई, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा भाई आपके, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। अगले भी आपके अगला क्वेश्चन, उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो सभी को पता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। ये आपके जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में लगभग 80% से ज़्यादा कोयले की मात्रा, कार्बन की मात्रा होती है। गंभीरता बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, तो गंभीरता बेड़च नदियों के संगम पर आपके चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अक्रमक क्रिया का प्रयोग किया गया है, बिना क्रम के, तो अक्रमक क्रिया है वो रात भर सोया नहीं, बाकी में सभी में क्रम है। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम, सीधी सी बात है कोई नदी नहीं बहती है बीकानेर में, कि कोई बहती है। अगला वाला आकृति पहचानना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, टीडवाना डेगाना कुचामन रेवासा, और साहब रेवासा झील कहाँ है, सिकर में है, ये आपके मैथमेटिक्स का है क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, इससे आगे भी चल लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियाँ बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, आवास एवं बस्तियाँ बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, गणेश्वर।
122 नंबर की बात करें, एक भू स्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखा के तल पर, ठीक है। द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशकर्ता कौन है? तो ये करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो साहब 11,283, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वासिक्योर आमतौर पर बच्चों में किस आयु में देखा जाए, क्वासिक्योर किस आयु में देखा जा सकता है? 1 से लेकर 4, छोटे बच्चों में होता ही, हड्डियों से संबंधित बीमारी है, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। आगे बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के, प्रोटीन की कमी से होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखो, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं? तो उसको बोलेंगे हम अनुस्मारक, मैथमेटिक्स। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का कौन सा समय होता है, सभी को पता है, अक्टूबर से, प्रत्यावर्तन जाने का समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? तो ये बनी थी 12वीं, ठीक है, 2003 में 12वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई थी। एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपके मुख्य अतिथि, कहाँ के थे? ये थे आपके बांग्लादेश के, ठीक है। धनराशि, आगे चलो, तवांग क्षेत्र स्थित है, तवांग की घाटी, तवांग कहाँ का क्षेत्र है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का है तवांग घाटी। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्र सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए? तो ये हो जाएंगे आपके हीरालाल शास्त्री, ठीक है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में कार्यक्रम कब शुरू किया गया ये ध्यान रखना, 1977-78, ठीक है। कृषि आयोग की परियोजना केंद्र सरकार के अधीन शुरू की गई थी। जिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो ये है आपके रिको से जयपुर में, ठीक है। वर्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई मान सिंह। आगे बात कर लेते हैं, भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था? ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, चलेगा। आगे बात कर लेते हैं, बाकी आंसर इसका मंगोलिया है। निम्नलिखित में से कौन सांपों के देवता संबंधित, सभी को पता है गोगा जी है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, वो है, वो कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो योग के लिए सही कौन सा है, ये आपके बराबर का सिंबल सम A1, A4, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 नहीं है, इसके जीवन की रक्षा का अनुच्छेद कौन सा है, 21 है, ये तीसरा ऑप्शन गलत है आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है? बेरी किसे कहते हैं, तो बुंगल, ठीक है, बुंगल को बेरी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। धार्मिक समारोह में किया जाता है इसका प्रयोग। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा किसकी है? सभी को पता है विश्वास स्वरूपम प्रतिमा भगवान शिव की है, कहाँ पर है,
ठीक है, नाथ द्वारा में निर्मित हिंदू भगवान शिव की प्रतिमा 29 अक्टूबर 2022 को खोली गई थी। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितनी हो सकती है? ध्यान रखना 8 और 72 इसका करेक्ट आंसर। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है राष्ट्रीय एकता का दिवस 31 अक्टूबर को, ठीक है। ये किसकी जयंती पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ब्लू पोल्ट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? शिल्पकार हैं आपके नरोत्तम जांगीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? वृद्धि दर थी आपकी 11.04। तीन संख्या है और इसका करेक्ट आंसर आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सभी से है। देखो इस प्रकार का आपके सीईटी का पेपर आता है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, 4-5 पेपर और हैं तो उनके भी सॉल्यूशन हम जल्द देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।